हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर ओके, एंड जो हमारा ये डाटा होता है, डाटा क्या होता है हमारा? रॉ मटेरियल लाइक जो भी हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं करंट में ओके, जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, लाइक इंस्ट्रक्शंस से देंगे हम इनपुट डिवाइस से। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया एंड अदर डिवाइसेस हो गए, सब इनपुट देंगे अपने सिस्टम को ओके। जो हमारा सिस्टम है, जो भी हम इनपुट दिया वो हमारा पहला इनपुट जाएगा हमारा प्राइमरी मेमोरी में ओके। प्राइमरी मेमोरी में हमारा इनपुट जाएगा एंड जो भी हम करंट में काम करेंगे, जो भी हम करंट में काम करेंगे वो हमारा डाटा सेव होता रहेगा प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में वो डाटा सेव होने के बाद अगर हम उसे प्रोसेस करेंगे वो हमारा प्रोसेस डाटा होगा कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट में हमारा डाटा प्रोसेस होगा एंड उसके बाद वो जाएगा हमारा डाटा प्रोसेस होने के बाद कंट्रोल यूनिट से सेकेंडरी स्टोरेज में। अगर हम डाटा को अपना सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं डालेंगे तो हमारा जो डाटा हम प्राइमरी मेमोरी में जिस डाटा पर हम काम कर रहे हैं, हम मान लो एक फाइल बना रहे हैं ओके, हम फाइल बना रहे हैं एक एक्सेल फाइल, तो एक्सेल फाइल पर जो भी हम डाटा चढ़ा रहे हैं करंट में वो सारा सेव होता रहेगा प्राइमरी मेमोरी में, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी स्पीडली काम करती है एंड उस पर डाटा कब तक सेव रहता है? जब तक हमारा कंप्यूटर स्विच ऑन है तब तक हमारा डाटा सेव रहेगा, और जैसे स्विच ऑफ गया या लाइट कट हुई, इलेक्ट्रिसिटी कट हुई, तो हमारा जो भी हमने प्राइमरी मेमोरी में डाटा किया था सेव, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा ओके। एंड फिर वो डाटा हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हो गया। अगर हम डाटा को सेकेंडरी स्टोरेज में सेव कर देंगे तो हमारा डाटा जाएगा परमानेंटली सेव। अगर हम इसमें रखेंगे प्राइमरी मेमोरी में, तो प्राइमरी मेमोरी का मतलब ये होता है टेम्परेली, ये होती है वोलेटाइल मेमोरी एंड ये होती है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी ओके। इसके बारे में आगे डिटेल में जानेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज एंड प्राइमरी स्टोरेज मिलके बनाते हैं स्टोरेज यूनिट, STORAGE स्टोरेज यूनिट, एंड और CU एंड ALU मिलकर बनाते हैं हमारे कंट्रोल यूनिट। ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारे CPU, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ओके। हम इसके बारे में आगे डिटेल ले जानेंगे पूरे। पहला हमारा था इनपुट यूनिट, पहला पॉइंट हमारा इनपुट यूनिट ओके। इनपुट यूनिट लाइक कंप्यूटर नीडेड टू रिसीव डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। कंप्यूटर हमारा डाटा को रिसीव एंड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है एंड वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। देयरफॉर वर नीडेड टू इनपुट द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर द यूनिट द इनपुट यूनिट कंसिस्ट्स ऑफ द वन मोर इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस। अदर कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर द माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड इट्स एंड द इनपुट द ऑल द इनपुट डिवाइसेस परफॉर्म द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस फंक्शंस ओके। एंड हमारा जो हमारा कीबोर्ड होता है वो मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइसेस होता है, लाइक हम कंप्यूटर से सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं एंड मैंने इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर से अपने उससे देते हैं कीबोर्ड से ओके। एंड हमारा होता है अब्सेक्ट द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड ओके। ये हमारे थ्री पॉइंट्स हमारे, इन्हें हम देख लेते हैं ओके, यहाँ पढ़ लेना थ्री पॉइंट्स। फिर हमारा था स्टोरेज यूनिट, आपको बताया था कि प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी मिलकर बनाते हैं हमारे स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट क्या होता है? द स्टोर यूनिट ऑफ द कंप्यूटर होल्ड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर एंटर्ड इन फ्रॉम द इनपुट यूनिट। जो भी हम इनपुट यूनिट का मतलब होता है, जो हम इनपुट यूनिट से हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, अब लाइक कीबोर्ड से हम देंगे या माउस से देंगे, हम इंस्ट्रक्शंस देंगे। जैसे मान लो हमने एक पेपर, हमने एक्सेल फाइल बनाई, हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रिंट करने की। प्रिंट कहाँ पे होगी? हमें पहले शो होगी मॉनिटर पे, उसके बाद वो हमें प्रिंट होगी इससे, प्रिंटर से ओके। स्टोरेज यूनिट का मतलब होता है कि एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है हमारी? प्राइमरी होती है स्टोर द प्रोवाइड्स वेरी फास्ट। इसकी जो इसका जो स्टोरेज है वो प्रोवाइड हमारे को वेरी फास्टली काम करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। इसकी द मेमोरी जनरली इज यूज टू होल्ड, और जो इसकी जो मेमोरी होती है वो डाटा को जो हम करेंटली काम कर रहे हैं उसको हमारे को होल्ड करती है, होल्ड कर रखती है। जब कब तक होल्ड कर रखती है? वो हमारे डाटा को द डाटा बींग रिसीव्ड द इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड द प्राइमरी मेमोरी इज द एंड टेम्परेरी इज नेचर। जिसका नेचर होता है वो टेम्परेरी मेमोरी का होता है, टेम्परेरी नेचर होता है इसका। अगर हम डाटा पर जो भी हम काम कर रहे हैं उस डाटा को
जब तक हम सेव नहीं करेंगे अपनी सेकेंडरी स्टोरेज में, तब तक वो अगर अगर इलेक्ट्रिसिटी कट हुई तो वो डाटा हमारा डिलीट हो जाएगा। ओके, और जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी से महंगी होती है एंड एक्सपेंसिव होती है क्योंकि, ओके, और इसकी जो प्राइस होता है वो कॉस्टली होता है थोड़ा सा एंड कंपेयर देन सेकेंडरी मेमोरी। एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है हमारी, सेकेंडरी मेमोरी हमारी होती है, सेकेंडरी स्टोरेज इज यूज लाइक एन आर्काइव, इट स्टोर्स सर्वर प्रोग्राम्स डॉक्यूमेंट्स डाटा बेसिस इट्स। ओके, द प्रोग्राम्स दैट यू रन ऑन द कंप्यूटर आर फर्स्ट ट्रांसफर्ड टू द प्राइमरी स्टोर प्राइमरी मेमोरी बिफोर इट इज एक्चुअली रन। ओके, एंड वेन एवर द रिजल्ट आर सॉल्वड सेव्ड अगेन दैट दे गेट स्टोर इन द सेकेंडरी मेमोरी। द सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर दैन स्लोअर, सेकेंडरी मेमोरी हमारी स्लो भी होती है एंड चेपर दैन चेपर, लाइक सस्ती सस्ती भी होती है। एंड प्राइमरी मेमोरी सम, ओके, एंड सम ऑफ द कॉमनली यूज सेकेंडरी मेमोरी लाइक डिवाइस हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क फ्लॉपी मैग्नेटिक डिस्क एंड सी डी एंड अपनी पेन ड्राइव। ओके, और मेमोरी साइज आगे पढ़ेंगे, मेमोरी साइज क्या होता है, लाइक मेमोरी साइज हमारे पास होता है ऑल डिजिटल कंप्यूटर यूज इज बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम लाइक जीरो एंड वन, जीरो एंड वन, एंड ईच कैरेक्टर और अ नंबर इज, ओके, जो भी हम जो भी हमारा मतलब है हम 8 बिट, ओके, 8 बिट होता है एंड द सेट ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। 8 बिट को हम बोलते हैं बाइट। अ कैरेक्टर ऑक्यूपाइज 1 बाइट स्पेस, अ नंबर ऑक्यूपाइज 2 बाइट स्पेस, बाइट इज स्पेस ऑक्यूपाइड इज मेमोरी इन द मेमोरी। द साइज ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज इज स्पेसिफाइड इन KB किलोबाइट, और MB का मतलब होता है मेगाबाइट एंड GB का मतलब होता है गीगाबाइट। 1 KB में होता है हमारा, 1 KB इक्वल टू होती है 1024 bytes एंड 1 MB हमारी इक्वल टू होती है 1000 KB। द साइज ऑफ द प्राइमरी प्राइमरी स्टोरेज इन द टॉम टाइप सॉरी टिपिकल PC यूजुअली स्टार्ट इज इन 16 MB, PCs हैविंग 32 MB एंड 48 MB एंड 128 MB एंड 256 MB मेमोरी आर क्वाइट कॉमन। आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट क्या होती है हमारी, द यूनिट द आउटपुट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर प्रोवाइड्स दैट इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन टू आउटसाइड वर्ल्ड एंड प्रिंटर विजुअल डिस्प्ले वीडियो एंड DVD एंड कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस अदर कॉमनली यूज डिवाइस यूज आउटपुट डिवाइस द स्पीकर हेडफोन प्रोजेक्टर लाइक अदर थिंग्स। ओके, एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब होता है कि हमारा आफ्टर यू एंटर डाटा थ्रू आर, मैं स्पेशली बता रहा हूँ अपनी तरफ से बता रहा हूँ, आफ्टर यू एंटर डाटा एंड थ्रू द इनपुट डिवाइस इज यूज स्टोर्ड इन द प्राइमरी स्टोरेज यूनिट द एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म्ड बाय अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आफ्टर प्रोसेसिंग द आउटपुट इज रिटर्न। जो भी हम डाटा को हम इसमें एंटर करेंगे एंड वो डाटा हमारा प्रोसेस होगा प्राइमरी स्टोरेज में एंड उसको हम सेव कर देंगे सेकेंडरी मेमोरी में एंड फिर वो हमें जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देंगे तो बाद में हमें उस इंस्ट्रक्शन को रिटर्न करके देगा। ओके, एंड कंट्रोल यूनिट क्या होती है आपका, मैंने ऊपर ही समझाया था कंट्रोल यूनिट के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ेंगे हम। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CU एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इन दोनों का मिलकर बनता है हमारा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, जो हमारा ब्रेन होता है कंप्यूटर का। ओके, इट परफॉर्म्स ऑल कैलकुलेशन, इसका काम होता है ऑल कैलकुलेशन का परफॉर्म करना, डिसीजंस एंड कंट्रोल ऑल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, हम आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों।